नमस्ते बालाजी इंदिटारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग बोल सकते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं उनके लिए होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और नो कांटेक्ट में हो, झगड़ा करके हो या फिर सेपरेशन में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 10 से लेके आप 18 मई तक की ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, इसके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, रिश्तों में मेहनत करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, खुद को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, परिवार को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। लेकिन उनका एक ये जो वक्त है अभी, वो अपना इमोशन थोड़ा हाइड कर रहे हैं क्योंकि वो आपको अपना इमोशन दिखा नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। हालांकि वो चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं और खुद पर भी मेहनत करना चाहते हैं, रिश्तों पे भी मेहनत करना चाहते हैं, खुद के स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हैं। लेकिन वो आपको ये बात अभी बता नहीं रहे हैं क्योंकि नो कांटेक्ट में है, ये आपको पता है, इसीलिए वो अपना इमोशन आपसे हाइड कर रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, वो बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन मन ही मन ये उनकी करेंट फीलिंग्स है कि वो आपके साथ परिवार, बच्चा, रिश्ता, ये सारे चीज़ देखना चाहते हैं और खुद पर मेहनत करके पैसे भी कमाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी पाना चाहते हैं। लेकिन आपसे ये सारी बात अभी वो बता नहीं रहे हैं क्योंकि नो कांटेक्ट है, इसलिए ये उनकी करेंट फीलिंग्स है। अभी देखते हैं वो चाहते क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आप चाहते क्या हो, आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसा मैंने कहा, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, वो ये चाहते हैं कि रिश्ते में जो परेशानी है वो खत्म हो जाए और रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए। जैसा मैंने कहा, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था किसी भी कारण से, अगर आपको लगता है ये रिश्ता ख़त्म हो गया है तो दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। इसके लिए अगर किसी की मदद लेनी पड़े, टीम वर्क करना पड़े, मतलब किसी की, दोस्तों की, रिश्तेदार की, किसी की मदद से अगर उनको ये रिश्ता सही करना पड़े तो भी वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से रिश्ते में नई शुरुआत हो, और क्योंकि अभी वो स्टेबल है, इतना काबिल है कि रिश्ते को चला पाए और अभी वो अपनी मर्जी से रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसीलिए वो रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं और जो पुरानी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके लिए जैसे मैंने कहा, अगर किसी की मदद भी लेनी पड़े तो वो मदद लेके रिश्ते को सही करना चाहते हैं। एरीज यानी मेष राशि, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो सब्सक्रिप्शन का जो ब्लैक या रेड कलर की जो भी बटन आपके फ़ोन पे आता है उसको क्लिक कीजिएगा। तब जब भी मैं कोई भी रीडिंग डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अभी देखते हैं उनका एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन 8 से लेके 10 से लेके 18 मई तक की उनका एक्शन क्या रहेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं कहूँ कि वो जो चाहते हैं उनका एक्शन में क्या वो दिख रहा है, वो दिख तो रहा है लेकिन मुझे लगता है वो अभी थोड़ी दुविधा में है। उनको ये लग रहा है कि जब भी वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं वो आप उनको कुछ उल्टा सीधा बता देते हो, बोल देते हो, जिससे वो दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं।
और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास और भी ऑप्शन हो सकता है, और वो ये भी चाहते हैं कि आप इस तरह की हो कि एक जेंटल, एक पोलाइट, सॉफ्ट नेचर की हो जाए, तब वो आगे आके आपसे बात कर सकते हैं। तो एक्शन में वो अभी फिलहाल वो एक्शन में बहुत जल्दी दौड़ के आपके सामने आके रिश्ते के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। थोड़ा वो कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। कभी आप एकदम रूड बन जाते हो, कभी कुछ भी बोल देते हो मुंह पर, और कभी एकदम शांत हो जाते हो, परिवार को संभालने की बातें करते हो, कभी चीजों रिश्ते को एक डिग्निटी के साथ चलाने के लिए बातें करते हो, कभी आप इतना शांत स्वभाव के हो जाते हो कि वो थोड़ा कंफ्यूज है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए दोनों ही विपरीत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको पता है, जो लोग रीडिंग हमेशा देखते हैं, कि आप कब क्या बोल देते हो, मुंह पर बोल देते हो, एकदम अचानक से बोल देते हो, जिसकी उम्मीद उनको नहीं है, ऐसी बात बोल देते हो कि वो परेशान हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये बात क्यों आपने बोल दिया। और कभी आप इतना शांत हो जाते हो कि उनको समझने में भी परेशानी होता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये इंसान कब क्या कर दे। तो इसीलिए फिलहाल वो थोड़ा कंफ्यूज है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए वो थोड़ा अभी रुकेंगे, अभी सोचेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और बाद में हो सकता है वो एक्शन ले। लेकिन अगर मैं इन दिनों कहूँ, इन दिनों वो कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपके साथ रिश्ता, परिवार, बच्चे सब चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, अगर रिश्ते निभाना चाहते हो, तो किसी भी कारण से, किसी और के कारण से हो और अपने कारण से हो, रिश्ते को खराब मत कीजिए। ईगो के लिए रिश्ते को खराब मत कीजिए। आप अगर ईगो के कारण एक दूसरे के सामने नहीं जा रहे हो, अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यही है एरीज कि वो अपना इमोशन हाइड कर रहे हैं, तो आपको अपना इमोशन हाइड नहीं करना है। अगर आपको ये लगता है कि ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका रिश्ता गॉड का बनाया हुआ रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है, तो आपको उसको आगे आके बोलना चाहिए। ईगो में मत रहिए, ईगो के कारण जो सच है, जो सही है, अगर आप उसको नहीं बोल पाते हो, तो रिश्ते में तरक्की होना मुश्किल है, क्योंकि बोलना पड़ेगा हम क्या चाहते हैं। अगर हम वो नहीं बताएंगे, तो सामने वाला कैसे समझेगा। तो आपको बोलना होगा और रिश्ते को और एक मौका देना होगा। बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट का कार्ड आया है, तो इस बार गॉड के भरोसे आपको रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।